गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. स्टूडेंट, हमारा बीएड सेकंड ईयर का जो सेकंड सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके मैं टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ पूरा पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप. अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी टॉपिक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ मेरे अलग अलग सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से जो टॉपिक्स है वो देख सकते हैं. आज हमारा फर्स्ट यूनिट का असेसमेंट फॉर लर्निंग का लास्ट टॉपिक है. इससे पहले हमने किया था एमसीएफ 2005, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, उसे ध्यान से करना है. अगर किसी भी बच्चे को उसमें से कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो. अगर वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट तो उसको लाइक कर देना और इसको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज का हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका लास्ट टॉपिक है टीचर एज ए फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग. जो टीचर है एज ए फैसिलिटेटर है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, वो क्या रोल प्ले करता है एज ए फैसिलिटेटर के रूप में. तो हमने जो पिछला लेक्चर किया था स्टूडेंट एमसीएफ 2005 में, क्या था, टीचर एज ए फैसिलिटेटर का रोल मिला था. जो टीचर है सिर्फ उसका मेन पर्पज ये नहीं है कि बच्चों को सिलेबस है वो कवर करवा दिया बस हो गया उसका काम, नहीं. एमसीएफ 2005 में कहा गया था जो स्टूडेंट है वो तो कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि हर एक चीज को वो सर्जन करते हैं, क्रिएटिव ढंग से सोचते हैं, लेकिन जो टीचर है एज ए फैसिलिटेटर की तरह ही रोल प्ले करता है. फैसिलिटेटर क्या होता है कि टीचिंग को सरल बनाने वाला, क्योंकि आजकल क्या है क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम बन गई है, बच्चे एक्टिव हो गए हैं, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहते. अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो गूगल पे सर्च करते हैं, जगह जगह पर मटेरियल इकट्ठा ढूंढते हैं, मीन्स कि अपने टॉपिक को अच्छे से वो प्राप्त करते हैं. अगर टॉपिक से रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो टीचर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर सॉल्व करता है. तो टीचर को एज ए फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा करता कहा गया है, एज ए गाइड के रूप में वो रोल प्ले करता है, टीचिंग को सरल बनाता है, बच्चों को मोटिवेट करता है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो. क्लासरूम में वो बच्चों को उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है कि टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करो, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होगा तो वो टॉपिक से रिलेटेड अच्छी नॉलेज नहीं ले सकते. ठीक है, आजकल क्या है टीचिंग चेंज हो गई है. टीचिंग चेंज कैसे, कि पहले तो क्या था, गुरु सिर्फ किताबों तक ही सीमित रखता था, बच्चे को सिर्फ वही पढ़ाता था टीचर जो है जो सिलेबस में आता था. लेकिन आजकल क्या है, टीचिंग का जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है. टीचिंग ज्यादा से जो टीचर है ज्यादा से ज्यादा टीचिंग एड यूज करता है, बच्चों को चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा, स्मार्ट क्लासेस आ गई है तो उनके द्वारा बच्चों को समझाता है, जिससे जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बन जाती है और बच्चे भी इंटरेस्ट से उस चीज को सुनते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी लेते हैं. तो टीचर क्या है, सिर्फ लर्नर्स की हेल्प करता है, लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट. टीचर का क्या रोल प्ले है कि लर्नर्स की वो सिर्फ हेल्प करता है, उनके टॉपिक से रिलेटेड उनको कोई भी जो भी प्रॉब्लम आती है. ठीक है, तो पॉइंट्स देखते हैं हम इसके कुछ की पॉइंट्स टू बी गुड फैसिलिटेटर. एक अच्छे फैसिलिटेटर, एक जो अच्छा टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स है या क्या का वो रोल प्ले करता है, उसका क्या रोल है असेसमेंट फॉर लर्निंग में एज ए गुड फैसिलिटेटर का. फर्स्ट है आस्क क्वेश्चन. पॉइंट्स या रोल भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको यह आ जाता है कि एज ए गुड फैसिलिटेटर का क्या रोल प्ले करता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सारा आपने यही लिखना है. फर्स्ट आ जाता है आस्क क्वेश्चन. जो टीचर है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है कि आप क्वेश्चन पूछो. अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है कोई क्वेश्चन, तब भी वो उनको ये नहीं कहता कि हाँ ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप बाद में पूछना, नहीं, बल्कि वो उनको उत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछो. यूज क्लासरूम मटेरियल. क्लासरूम में जो भी मटेरियल्स होता है, टीचिंग एड होते हैं, ये ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट है, हमारे मॉडल है, चार्ट है, प्रोजेक्टर है, स्लाइड्स है, उनको बच्चों को यूज करना सिखाता है कि आपने इसको ऐसे यूज करना है, ताकि आगे जाकर बच्चा जो है अगर वो टीचर बनता है, टीचिंग करता है, तो वो अच्छा रोल प्ले कर सके उसमें.
हैंडल द क्लासरूम जो एक गुड अच्छा फैसिलिटेटर है वो लर्नर्स को क्लासरूम हैंडल करना सिखाता है कि किस तरह से आपने क्लासरूम को हैंडल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, जो टीचर होता है बिल्कुल भी बच्चों पर गुस्सा नहीं करता। अगर वो टॉपिक से बाहर भी जाते हैं या कुछ उनकी क्वेरी होती है या कुछ वो एनवायरमेंट चेंज करना चाहते हैं क्लासरूम में, तो वो उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, स्टूडेंट्स की क्या जरूरत है उनको ध्यान रखता है एज ए फैसिलिटेटर के रूप में, कि लर्नर्स की क्या नीड्स हैं, वो क्या चाहते हैं। वो अगर मान लो कोई बच्चा वीक है, स्टडी को इतना नहीं समझ पा रहा, तो जो टीचर है एक अच्छा फैसिलिटेटर वही होगा जो टीचर लर्नर के अकॉर्डिंग ही क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करेगा या उसके अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग मटेरियल चेंज करेंगे ताकि जो लर्नर्स को है अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। एलो कंस्ट्रक्टिविटीज क्लासरूम, यानी कि वो एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम गेन करता है। ठीक है, अलाउ करता है उसको कि क्लासरूम में जो भी बच्चे चाहते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही, लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग ही क्लासरूम का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जिस मेथड से वो पढ़ना चाहते हैं उसी मेथड से पढ़ाया जाता है, या फिर टीचिंग एड, जिस टीचिंग एड से बच्चे चाहते हैं कि उनको अच्छी तरह से उस टीचिंग एड से समझ आता है, तो जो टीचर है वैसा ही रोल प्ले करता है। एनकरेज आइडियाज, जो लर्नर्स के आइडियाज है उनको एनकरेज करता है, ज्यादा से ज्यादा उत्साहित करता है उनको क्लासरूम में। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उनको ये नहीं कहता कि हाँ अभी नहीं पूछना, अभी मैं ये टॉपिक करवा दूं बाद में पूछना, नहीं, बल्कि वो उनको आइडियाज को इनकरेज करता है, बल्कि वेरी गुड कहकर उनको और मोटिवेट करता है ताकि जो और स्टूडेंट है वो भी क्वेश्चन पूछ सके, उनके आइडियाज को लेता है चाहे वो टॉपिक से बाहर ही क्यों ना हो। एक्सपीरियंशियल मॉडल ऑफ लर्निंग, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो लर्नर्स को है वो मॉडल के द्वारा लर्निंग से ज्यादा, मॉडल की लर्निंग कैसे, कि अगर साइंस करवा रहा है बच्चों को तो वो लैब में लेकर जाता है, कंप्यूटर सिखा रहा है कंप्यूटर लैब में लेकर जाता है, यानी सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक ही सीमित नहीं रहता, वो स्टडी को इतना इफेक्टिव बना देता है कि बच्चे उसे अच्छी तरह से ले, ठीक है, एनकरेज करता है उनको, एक अच्छा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाता है लर्नर्स को। एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, यानी कि अगर टीचर एक्टिव रहेगा, एक एक फैसिलिटेटर अगर एक्टिव होगा तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे ही एक्टिव होंगे। अगर वही है टीचर ही सुस्त सा होगा कि हाँ बच्चों ये लो मैं आज ये करवा रहा हूँ आपने इसका, तो जो बच्चे हैं वो कैसे एक्टिव हो सकते हैं, यानी कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा अगर एक्टिव होगा तभी बच्चे भी एक्टिव होंगे। डिवर्स स्किल, जो बच्चों की स्किल्स है उनको उभार कर लाना रोल होता है एक अच्छे फैसिलिटेटर का, जो स्किल है उनको डिवर्ट करना, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। मान लो एक बच्चा है वो मैथ्स में अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता है वो साइंस में अच्छा हो, डांस में अच्छा नहीं है लेकिन हो सकता है वो सिंगिंग में अच्छा हो, तो उनकी जो स्किल है उनकी स्किल को डिवर्ट करना, ठीक है, ये नहीं कहना कि हाँ आप इसमें अच्छे नहीं हो, आप नलैक हो, ये हो वो हो, नहीं, हमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने, टीचर जो है नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करता, वो लर्नर की ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। वर्क सेशन, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें जो है, वर्क सेशन क्या होता है कि बच्चों को असाइनमेंट्स वगैरह देना, वर्क उनसे वर्क करवाना, कि कोई बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, घर से कुछ काम देना उनको एक्टिव तरीके से करे, कोई प्रोजेक्ट देना, या फिर होता है वर्क सेशन में क्या है कि बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं टीचर के सामने और जो टीचर है वो लर्नर्स की प्रॉब्लम को सुनता है, उनको शॉर्ट आउट करता है। अपॉर्चुनिटी, जो लर्नर्स को है ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, ताकि वो स्टडी को और बेहतर तरीके से कर सके। फियरलेस, बिना किसी डर से लर्नर अपने क्वेश्चन रख सके टीचर के सामने, तो एक अच्छा फैसिलिटेटर वही होगा जो स्टूडेंट्स की, जो लर्नर्स की भावनाओं को समझेगा, वो क्या चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपनी जो टीचिंग को है वो चेंज करेगा, टीचिंग मेथड को चेंज करेगा। असाइनमेंट प्रोजेक्ट,
ज्यादा से ज्यादा बच्चों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स देते हैं। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो उनको ड्राइंग से रिलेटेड वर्क करवाना, अगर मान लो कोई बच्चा साइंस के प्रोजेक्ट अच्छे से करता है तो साइंस की करवाना भी, मतलब कि हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही उनको अलग अलग प्रोजेक्ट देना। ये नहीं कि क्लास में मैंने सबको एक काम दे दिया लेकिन हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को वो चीज ना आए। जो बच्चा सीखना चाहता है, जिस काम को करने में माहिर है, वही वो स्किल उसके अंदर डेवलप करवाना, ठीक है। और भी पॉइंट्स लिख सकते हो आप। उसके बाद देखते हैं हम हेल्पफुल इन असेसमेंट। जो एक अच्छा फैसिलिटेटर है, गुड फैसिलिटेटर है, वो असेसमेंट आकलन में कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है, आकलन में असेसमेंट में कैसे हेल्पफुल साबित कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोजेक्ट्स, यानी कि हम बच्चों का आकलन असेसमेंट सिर्फ एक बेस पर नहीं कर सकते। मान लो मैंने किसी बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज दे दी लेकिन बच्चे का आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं है, अब उस बेस पर उसके मार्क्स नहीं लगा सकते कि हाँ इस बच्चे ने आर्ट एंड क्राफ्ट की अच्छी चीजें नहीं बनाई। हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है वो सिंगिंग में अच्छा हो या किसी दूसरे मैथ में अच्छा हो, तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग ही उनको अलग अलग मटेरियल, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स देना और उसी के हिसाब से ही उनकी असेसमेंट करना, उनका आकलन करना। स्टूडेंट चांस टू शाइन, अगर स्टूडेंट्स को हम चांस देंगे उसको आगे बढ़ने के लिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको वर्क देंगे, तो जो बच्चे हैं एज ए शाइन, चमकदार, ज्यादा शाइन बनेंगे, चमकदार बनेंगे, और जितनी वो चमक शाइन आएगी लर्नर्स में उतना ही जो है उनकी स्किल डेवलप होगी और वो आगे बढ़ पाएंगे। लर्नर्स ओपिनियन अथॉरिटी, लर्नर्स को ओपिनियन देखना है, लर्नर्स को ओपिनियन देनी है, मींस कि मौका देना है उनको आगे बढ़ने के लिए। कोई अगर क्लास में मान लो 20 बच्चे बैठे हैं तो अगर हम सिर्फ 2-3 बच्चों को ही ये कहते रहे हाँ ये बच्चा अच्छा है, भाई तू तो लैक है, तू तो लैक है, तू नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, जब फिर हम सिर्फ जो फर्स्ट बेंच पर बच्चा है उसी को उठाकर कह दें कि बच्चे आपने ये बताना है और हर टाइम उसी से ही पूछे और जो पीछे बैठे हैं या दूसरे बच्चों से ना पूछे, तो ये गलत बात है। एक अच्छा फैसिलिटेटर वही होगा जो हर एक लर्नर को ओपिनियन देगा, उनको हर एक मौका देगा, उनको अथॉरिटी देगा जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम एक ही बच्चे को कह दें कि आपने क्लास हैंडल करनी है, नहीं, बारी बारी से टर्न बाय टर्न ड्यूटी लगानी चाहिए, सब बच्चों को मौका देना चाहिए। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, इसमें क्या है कि हम अलग अलग लर्निंग स्टाइल, मींस कि जो सीखने की कला है, ये नहीं कि हाँ वही चीज आ गई इसमें भी कि हाँ हम एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा है, तो उस हिसाब से हम उसका असेसमेंट नहीं कर सकते, बल्कि बच्चों की नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनका असेसमेंट करना। डिफरेंट इंटरेस्ट, जैसे वही है कि अलग अलग बच्चे का हर एक इंटरेस्टिंग लेवल अलग अलग होता है, किसी बच्चे की किसी चीज में रुचि होती है, किसी की डांस में, किसी की सिंगिंग में, किसी की राइटिंग में। अगर बच्चे को मान लो हमने ओरल टेस्ट दे दिया कि हाँ हमने करके लाना है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा ओरल में हेजिटेशन करता है, अटक अटक कर बोलता है, जैसे जोनी जोनी ऐसे कुछ समथिंग, लेकिन फिर भी हमने बच्चे को ऐसे नहीं कहता, नहीं तुमने घर से याद नहीं किया, फिर क्यों नहीं किया भाई, नहीं, बल्कि उनको उत्साहित करें, हाँ बच्चा आप तो बहुत अच्छे कर रहे हो, गुड, वेरी गुड, उनको इनकरेज करना, ताकि जो उनके अंदर की अक्षमताएं हैं, रुचियां हैं, वो निकल कर सामने आए। तो ये असेसमेंट में कैसे हेल्पफुल होता है, सिर्फ हम बच्चे का सिर्फ इसी एक ही सब्जेक्ट से अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ इस बच्चे के मैथ में अच्छे परसेंटेज है तो ये वेरी गुड है, और दूसरे के अगर इंग्लिश में अच्छी है तो वो उस नहीं, हर एक बच्चे को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपॉर्चुनिटी देनी और उसी के अकॉर्डिंग ही उनका असेसमेंट करना, उनका आकलन करना, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 16 में भी बन सकता है, तो इन क्वेश्चंस को आप हेडिंग्स को लेंथी लिख सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अंत में इतना ही कहूंगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल सके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।